वेलकम बैक एवरीवन, हाइपर फाइटर में आप सबका फिर से स्वागत है। तो भाई आज मैं एक बहुत ही खास चैलेंज करने वाला हूँ। आज मुझे जो भी पहला गान मिलेगा मैं उसे लेकर ही खेलने वाला हूँ। तो भाई आज मेरा चाहत है कि मैं, अगर मैं मुझे कोई SMG मिल जाए। अरे भाई साहब, बोलते बोलते अरे ये MP40 नहीं है, ये तो P90 है यार। चलो आज P90 से ही करते हैं चैलेंज यार, कुछ और नहीं। भाई बोलते बोलते दोनों को ही नॉक कर दिया। चलो आप दोनों को पंछी बना के उत्तर फिर मस्त गगन में। ये कहाँ से आ गया, आसमान से नीचे आए और आप तुम हिमालय पे जाने वाले हो। क्यों पहुँच गए ना बिना टिकट में हिमालय? आप तुम्हारे टीममेट जरूर गाली देंगे कि भाई तुम अब वहाँ पर क्यों गए हो। तो मैं आप सबको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आज के इस चैलेंज में एक और चैलेंज है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया है। मैं फिर से कोई मेडिकेट का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, ना कोई ग्लूआ, ना कोई ग्रेनेड और ना ही कोई कार या फिर बाइक, कुछ भी नहीं। आज मैं ऐसे ही खेलूँगा। चलो देखते हैं ऐसे कर। जानता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड मोमेंट बन जाता है बिना मेडिकेट और बिना किसी कार और बाइक किसी या फिर ग्लूआल का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा इस बार। वैसे मैं एक मिनट भाई, मेरा एमओ काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन अच्छा मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि मुझे यहाँ से मिल गया। इस बार लगता है कि मेरा बुरा करने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। चलो फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर भी खेलूंगा जो भी हो जाए। आज मेरा टारगेट रहेगा कम से कम 15 से 16 किल से ज़्यादा किल करने के लिए। चलिए आज देखते हैं क्या मैं कर पाऊँगा ऐसे हालत में। अरे धत तरीका, मेरे पास तो गान ही नहीं था, मेरा गान बैकपैक के ऊपर था। ये कमीना को तो अब बताना पड़ेगा भाई। OP हेडशॉट। अच्छा भुलभुलैया में कुछ हो रहा है, भुलभुलैया Part 3 बन रहा है क्या? ओ अच्छा, क्या कर रहे हो तुम साहब यहाँ पर बैठ के, क्या सेल्फी ले रहे थे क्या? तुम लोग को मालूम नहीं कि इस गेम में कौन आया है? ठीक है चलो, गलती किए हो तो थोपे हार जाए तो भरना ही तो पड़ेगा तुम सबको। और ऐसे करते करते हमारा किल हो चुका है 8। अरे छत पे क्या कर रहा है, बापा के छत मरने आया है क्या? अच्छा वहाँ पर ऐसे ही रहेगा क्या, नीचे नहीं आएगा? अरे आना बेटा, ठीक है चल मैं ही तेरे लिए इंतज़ार करता हूँ। तू कब नीचे आएगा तब हम तुझे पेलेंगे। आप लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास पोर्टल एक खरीद लो फिर देखो। नहीं यार, पोर्टल अभी मैं नहीं खरीदने वाला, अभी मैं हिटलिस्ट खरीदने वाला हूँ और Level 4 का भेस्ट मैंने ले लिया हूँ। इस बार मेरे पास कोई मेडिकेट का सपोर्ट नहीं आएगा, ना कोई ग्लूअल मैं फेंक के खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। आज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ये तो गया कम से, भाई वहाँ पर किसी ने लैंडमाइन फिक्स किया था, वहाँ पर जाकर वो बस ऐसे ही उसका HP बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, साइड वो वहाँ पर जाकर अपने मुँह के बल गिर गया था, फिर मैंने उसे ले लिया। हाँ आप लोग बोल सकते कि भाई ये तो किल चोर है। अरे भाई हम सब के किल को कौन देखता है, हम सब के किल भी तो चोरी हो जाता है। वो देखो सामने से कोई आ रहा है। अच्छा वही छत वाला बंदा, छत पे ही मर गया। चल बेटा आज तेरा तो सुहा हो गया। भाई सामने से एक और बंदा आ रहा है, मैंने देख लिया उसे, वो देखो। अच्छा मुझे हेडशॉट मार गया, ये ले एक छोटा सा हेड लगा है, फिर भी ये हेडशॉट से ही मार गया। भाई ये उठ पे करना, मैं जब भी पीक पे आता हूँ तब उठ पे कर मुझे नहीं मिलता है, और ऐसे वक्त पे मिल गया ये उठ पे कर जहाँ मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज मैं P90 का चैलेंज कर रहा हूँ। ओके अभी मेरा किल पीक के अंदर हो चुका है 11। इसी मौके पे एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब तो चाहिए, कम ऑन एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब जाए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहाँ पर तो सब कुछ शांति लगा, नहीं नहीं शांति नहीं, ये शांति भ्रम करने के लिए कोई और ऊपर से देख रहा है। अच्छा नीचे जाए, नीचे जाए, ठीक है यही मौका है। उसे अभी तक पता नहीं चला कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ, लेकिन उसे पता तो अब चलेगा कि उसके पीछे है हाइपर फाइटर। ये ले भाई
काफी अच्छा डैमेज दिया है। ठीक है, थैंक यू, तुम तो खुश हो गए। चलो अभी कम से 3 प्लेयर्स मेरे स्पेक्टर पे बैठ के देख रहे खेल, और ये सरकारी ड्रोन ने तो बता दिया भाई यहाँ पर तो बहुत सारे प्लेयर है, आज तो सोना चांदी चैंपियंस बन गया। अच्छा वहाँ पर नीचे कोई है और यहाँ पर एक बंदा, अच्छा मार रहा है क्या? अरे मैंने तुझे मारने के लिए बोला था, गुदगुदी क्यों कर रहा है? ठीक है चलो अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं। अच्छा वहाँ पर एक बंदर को तो मैंने तो वो सरकारी ड्रोन पे तो देखा था, अब हेडशॉट लग के क्या करूँगा? जब लगने का ज़रूरत पड़ता है तब हेडशॉट नहीं लगता है, जहाँ पर लगाना चाहता हूँ तब वहाँ पर कभी कभार लग ही जाता है। अरे भाई मुझे हेडशॉट मारना आता है यार, मानता हूँ कि कभी कभी मिस हो जाता है, बॉडी से ही करता हूँ, लेकिन बॉडी से ही काफ़ी ज़्यादा किल हो ही जाता है। ठीक है चलो, इस वाले प्लेयर को क्या छोड़ दे क्या? चलो एक बुलेट, एक दो बुलेट को फायर करके देखता हूँ। नहीं ये बंदा को मैं बाद में मारूंगा, पहले मैं इस वाले को देखता हूँ, उसका ही एक टीममेट है ना ये। अच्छा आने दे, आजा आजा। अरे M60 गन चला है मेरे सामने। अच्छा वहाँ पर फिर से कोई आ गया है, आज क्या हो रहा है यार? कम से कम 14 किल हो चुका है, यानी कि आज मैं टारगेट लिया हूँ P90 से 15 किल से ज़्यादा करने के लिए, उसका मैं बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका हूँ। वो देखो देखो, अभी मेरे पास कोई ग्लू वॉल का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊँगा और ना ही कोई मेडिकेट है, इसे ऐसे ही मारना पड़ेगा। ठीक है आप भैया हुकोंग भैया की इसका ताता थैया करने के लिए। अच्छा कितना कॉन्फिडेंटली मेडिकेट कर रहा है। अरे पीछे से मत मार, इस गेम में पीछे से मारने वाले की कमी नहीं है। रुको इसे हम बताते हैं, उसे लगेगा कि मैं यहाँ से भाग गया हूँ, लेकिन उल्टा घूम के उसके पास ही आ रहा हूँ। यार आप लोग बोलोगे भाई तुम तो दूसरी साइड पे जा रहे हो। अरे नहीं यार आजा देखो, ये जोन का जो लोकेशन है और उसका जो लोकेशन है, अगर मेरा कैलकुलेशन अगर सही है तो फिर वो इस चीज़ के अंदर ही आएगा। मैंने उसे भागते हुए आते हुए देखा है एक बार, वो देखो प्लान के हिसाब से सब कुछ सही हो गया, अब वो भागेगा और मैं इधर से उसे जाकर पकड़ लूँगा। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। वो भाई क्या ओपी तरीके से इसे नॉक कर दिया भाई, 16 किल्स हो गया, आज मेरा टारगेट तो पूरा हो गया और मेरे वो सब्सक्राइबर भाई का चैलेंज भी पूरा हो गया कि मैं कोई मेडिकेट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ना कोई ग्रेनेड ना कोई ग्लू वॉल, और सिर्फ एक गन से मैं खेलूँगा, और वो चैलेंज मैंने पूरा कर लिया और मेरा टारगेट भी पूरा कर लिया 17 किल्स के साथ। कम ऑन इसके साथ एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, क्या लगता है आज के भूया के निकल पाएंगे? चलो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, हर वक्त भूया निकलना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल बात हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे भाई तुम तो हैकर हो चुके हो, आप तो स्कैमर बन जाएंगे, इतना ज़्यादा देर तक आप इतनी बार कोई विन करता है क्या हर गेम? ओके वो देखो देखो पोर्टल लगा के कोई आ रहा है, तो भाई मैं आप सबको बता दूँ मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आई मीन मैं एक गेमर हूँ, लेकिन क्या करिए भूया अगर आ जाए तो फिर क्या ही कर, भूया आ जाता है कभी कभी। वो देखो सामने कोई खंभा की तरह खड़ा है, इसको अभी भी पता नहीं चला कि मैं उसके पीछे हूँ। ठीक है इसी मौके पे ओके 19 किल्स, लगभग 20 किल्स हो ही गया है, अब तो लगता है कि अब भूया हो जाएगा क्या? 19 किल्स के साथ भूया या फिर 20 किल्स के ऊपर हो जाएगा क्या आज? एक मिनट, बाकी वो दोनों प्लेयर्स कहाँ है? और मैं कार को भी आई मीन बापा एक जीप था, जीप को लेकर भी नहीं मैं भाग ही नहीं सकता हूँ भाई, अभी अगर कोई पीछे से मार देगा ना मैं खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊँगा। और मैं आप सबको बता देता हूँ इस चैलेंज के बाद मैं सब कुछ नॉर्मल तरीके से खेलने वाला, यानी कि मेडिकेट ग्लू वॉल ग्रेनेड और बाकी सारे के सारे वेपन्स मैं इस्तेमाल कर पाऊँगा। तो भाई चलो वहाँ से मैं भाग के यहाँ पर आ गया हूँ,
क्योंकि वहाँ पर बहुत से प्लेयर्स आकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन मैं कोई भाई फिर से मेरा नेट चला गया भाई, ये इतने से लैग क्यों हुआ? अरे अरे नहीं यार, इस कमीने हुकोंग ने तो मुझे मामू बना दिया। धार आज तो बुआ तो हाथ से गया, 19 किल्स के साथ आज मेरा चैलेंज हो गया पूरा। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा था, तो फिर प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। आप सब आई मीन आप सबसे मिलता हूँ एक और नए चैलेंज के वीडियो में। बाय बाय।